हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। करियर एलिवेट के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। बच्चे, आज मैं आप सबके बीच में एचटेट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेके हाजिर हूँ। एचटेट जो कि हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, टीचिंग के लिए एग्ज़ाम होता है। बच्चे, जैसा कि अभी इन्फॉर्मेशन आई थी न्यूज़पेपर के अंदर कि 15 तारीख से फॉर्म ओपन होने थे और जो एग्ज़ाम था वो बोला गया था कि 21 से 25 नवंबर के बीच में होगा, परंतु कुछ कारणवश अभी वेबसाइट पे जो फॉर्म का लिंक है वो ओपन नहीं हो पा रहा है। तो अभी तो फॉर्म नहीं निकले हैं, बट बहुत जल्द निकलेंगे। और अगर फॉर्म लेट निकलेगा बच्चे, तो फिर आगे एग्ज़ाम भी जो है वो लेट ही होगा। तो दिसंबर में आप मान के चलें कि एग्ज़ाम होगा। तो आज हम सारी डिटेल एचटेट के बारे में जानेंगे कि एचटेट का एग्ज़ाम कितने आवर्स का होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सा लेवल है, पीआरटी है, टीजीटी है, पीजीटी है, वो सब के बारे में जानेंगे। और बच्चे, एक इन्फॉर्मेशन ये थी कि अभी हाल में एक नोटिस ये भी आया था कि सीटेट जो कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और एचटेट की जैसे बच्चे आपको वैलिडिटी पता होगी कि सरकार ने 5 साल से बढ़ा के अभी 7 साल कर दी है। तो सीटेट के बारे में एक इन्फॉर्मेशन ये आई है, अभी हालांकि हुआ नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन ये है बच्चे कि सीटेट की जो वैलिडिटी है ये सरकार लाइफ टाइम कर सकती है आगे जाके। अभी फाइनल नहीं है, बट ऐसा है इन्फॉर्मेशन कि आगे हो सकता है। अगर सीटेट अगर आपका लाइफ टाइम होगा तो बच्चे एचटेट जो है वो भी इसी ट्रेंड को फॉलो करता है, तो एचटेट भी आगे लाइफ टाइम होने की पूरी पूरी संभावना है। तो बच्चे, एचटेट के अंदर जैसे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीन लेवल होते हैं, तीनों का सिलेबस अभी हम डिस्कस करेंगे। और 150 क्वेश्चन का पेपर होता है, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, है ना। एचटेट आप क्वालिफाई तब करते हैं जब आप 150 में से 90 क्वेश्चन ठीक कर लेते हैं, मतलब 60% क्वेश्चन अगर आप ठीक कर लेते हैं तब आपका एचटेट क्वालिफाई माना जाता है। उसके बाद भी बच्चे स्क्रीनिंग होती है, ठीक है। तो ये एक जस्ट एक पहली स्टेज है टीचर बनने की, आपका एचटेट क्वालिफाइड है ना। तो चलिए बच्चे सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि बोर्ड पे आप देख पा रहे होंगे, एचटेट जिसकी की फुल फॉर्म है हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2020 लिखा हुआ है, 2020, जो कि है ना पेंडेमिक की वजह से ज़्यादा अच्छा तो नहीं रहा, सबके लिए नुकसानदायक रहा है। बट अब हम जैसे कि धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं, तो आप एक एग्ज़ाम क्रैक करके, ठीक है, एक बढ़िया एग्ज़ाम क्रैक करके एक अच्छी नौकरी ले लें, तो ये जो बुरा टाइम गया है बच्चे ये भी आगे चल के अच्छा ही हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो तीन लेवल होते हैं एचटेट के, पीआरटी है, टीजीटी है, पीजीटी है। बच्चे पीआरटी आप तब फॉर्म भर सकते हैं जब आपका 12th+JBT है, ठीक है, तब आप पीआरटी का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। फिर टीजीटी है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इसका फॉर्म आप तब अप्लाई कर सकते हैं जब आपने ग्रेजुएशन प्लस बीएड किया है। पीजीटी का फॉर्म बच्चे तब अप्लाई कर सकते हैं जिसका कि फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड किया है तब आप पीजीटी के लिए क्वालिफाइड होते हैं। तीनों ही पेपर की अगर मैं बात करूं तो 150 क्वेश्चन आते हैं और 2.5 घंटे का पेपर होता है बच्चे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और 150 के 150 अपने को ठीक नहीं करने, अपने को सिर्फ इसका 60% ठीक करना होता है। 60% बोले तो 90 क्वेश्चन ही करेक्ट करने होते हैं सिर्फ। और सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो चाइल्ड पैडागोजी, ये जो 150 क्वेश्चन है ये कहां कहां से बनते हैं वो समझना। चाइल्ड पैडागोजी 30 क्वेश्चन आते हैं बच्चे, तीनों में आएंगे, पीआरटी में भी आएंगे, टीजीटी में भी आएंगे और बीजीटी के अंदर भी आएंगे। और फिर सेकंड पोर्शन जो है बच्चे वो लैंग्वेज का रहता है, हिंदी इंग्लिश, जिसके कि 30 क्वेश्चन आते हैं। और कॉमन है बच्चे, ये लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश के दोनों में आएंगे, तीनों में आएंगे, इवन पीआरटी में भी आएंगे, टीजीटी में भी आएंगे और पीजीटी के अंदर भी पूछे जाएंगे। थर्ड है जीएस सेक्शन, जिसके अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स, रीजनिंग और हरियाणा जीके, इन तीनों के 10-10 क्वेश्चन, मतलब 30 क्वेश्चन, ये भी इन तीनों के अंदर कॉमन है। यहाँ पे भी 30 है, यहाँ पे भी 30 है, तो टोटल बच्चे अभी तक 90 क्वेश्चन हो गए हैं ना, 30, 30, 60, 30, 90, यहाँ तक का जो है ना बच्चे, ये जो लाइन लगा रहा हूँ ये लाइन के ऊपर तीनों के अंदर कॉमन है, पीआरटी में भी, टीजीटी में भी और पीजीटी के अंदर भी। फोर्थ सेक्शन जो है बच्चे वो मैथ्स है, जो कि सिर्फ पीआरटी के अंदर पूछा जाएगा, जिसके कितने क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे। और फिर पांचवा जो पोर्शन है पीआरटी के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए, वो है ईवीएस। ईवीएस क्या होता है बच्चे, एनवायरमेंटल स्टडी होती है, पर्यावरण अध्ययन होता है, उसके भी कितने क्वेश्चन आते हैं, तो 30 क्वेश्चन आते हैं। बच्चे फर्क क्या है पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में, ये जो 30, 30, 60 और 30, 90 क्वेश्चन है ये तीनों का पैटर्न सेम है,
बाकी के जो 60 क्वेश्चन है यहाँ पे ये वेरी करता है, क्या वेरी करता है, ये 60 क्वेश्चन मैथ और ईवीएस के पूछे जाते हैं, यहाँ पे ये 60 क्वेश्चन रिलेटेड सब्जेक्ट के हो जाएंगे और यहाँ पे भी सेम 60 क्वेश्चन रिलेटेड सब्जेक्ट के हो जाएंगे, जिससे आपने क्या करी होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी होगी, वो वाले 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आएंगे, किसके अंदर, पीजीटी के अंदर आ जाएंगे। बच्चे एग्जाम कोई मुश्किल नहीं होता, ये बड़ा ईजी एग्जाम होता है और बड़े आराम से 2 महीने की आप डेडिकेटेड स्टडी करके, है ना, एक वो वाली स्टडी करके जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जहाँ से क्वेश्चन, आप बड़े आसानी से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और बच्चे हम तो बैंकिंग, एसएससी, इनकी भी तैयारी कराते हैं, उनके कंपैरिजन में अगर ये एग्ज़ाम देखा जाए तो काफ़ी इजी एग्ज़ाम है और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, कोई इतना मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है, बट हाँ आपकी तरफ से हमें डेडिकेशन, ठीक है, टाइम और आपकी तरफ से हार्डवर्क चाहिए, ये अगर 3 चीज़ें आप देते हैं तो आप यकीन माने 1.5 से 2 महीने की तैयारी में भी आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे हमारी 4 टीचर की टीम है, मैं अभी आपको एक एक करके सबसे मिलवाऊंगा और चारों बड़े मेहनती टीचर हैं हम, जो हम आपको तैयारी करवाएंगे, एस्टेट की तैयारी करवाएंगे और बड़ी ही डेडिकेटेड टीम है, बड़ी हार्डवर्किंग टीम है। तो चलिए मैं आपको सबसे एक एक करके मिलवाता हूँ। सबसे पहले आएंगे संदीप सर, आएंगे, आइए सर, ठीक है। तो सर जो है ये हमारे बड़े मेहनती टीचर हैं और इन्होंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम जो हैं वो क्वालिफाइड किए हैं भाई, और काफ़ी ये बच्चों की हेल्प करते हैं और दिन रात बच्चों के लिए मेहनत करते हैं और काफ़ी सारे एग्ज़ाम को एनालिसिस करते हैं और फिर तैयारी करवाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सर भी 2 शब्द बोलें। लीजिए सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भाई जैसे आप सबको पता है, शुभम सर ने एस्टेट के बारे में बड़े डिटेल में आपको बताया, सिलेबस एक एक चीज़ उन्होंने बड़े अच्छे से आपको बता दिए। मैं सिलेबस के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं आपको बस ये बताने आया हूँ, आपका कम ही समय लूँगा, कि हम लोग किस प्रकार से तैयारी कराएंगे। कि भाई देखो पैंडेमिक का टाइम है, कोरोना काल चल रहा है, इस टाइम सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब चीज़ों के फैक्टर हैं, तो हमने जो स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ रखी है क्लास में वो मात्र 10 से 15 स्टूडेंट की रखी है। सिर्फ हम एक बैच में 10 से 15 ही स्टूडेंट अलाउ करेंगे और अगर वो बैच फील हो जाता है तब हम नेक्स्ट बैच की तरफ जाएंगे। हमारा जो नेक्स्ट बैच का जो टारगेट है वो सिर्फ 10, जो फर्स्ट बैच बनेगा वो 10 से 15 स्टूडेंट का ही रहेगा। और करनाल की अगर हम बात करें, हम करनाल का एकमात्र ऐसे संस्थान है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो ऑनलाइन भी तैयारी करा रहे हैं। हमारा एक यूट्यूब पर चैनल है जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हो, कैरियर एलिवेट करनाल करके, वहाँ पर भी हम एस्टेट की तैयारी और जितने भी हरियाणा के सेंटर के एग्ज़ाम हैं वो हम ऑनलाइन भी प्रिपेयर करा रहे हैं। और अभी जैसे गाइडलाइन आई है भाई इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग, सोशल डिस्टेंसिंग को हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे और आपकी सेहत हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए हम जो स्ट्रेंथ रखेंगे, हमारे मेन मकसद यही है इस टाइम में कि जो स्ट्रेंथ रहेगी स्टूडेंट की मैक्सिमम एक बैच में 10 से 15 की रहेगी, ठीक है। अब सर कुछ बात कहेंगे। चलिए सर ने आपको बताया जैसा कि 10 से 15 स्टूडेंट ही हम रखते हैं और अब मैं अपने अगले टीचर से आपको मिलवाना चाहूँगा, तो आएंगे सर, आएंगे प्लीज़। ये हमारे दीपक सर हैं, काफ़ी मेहनती हैं और काफ़ी अनुभवी हैं, मेरे से कद में भी ये बड़े हैं और एक्सपीरियंस में भी मेरे से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सर को काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है, पिछले 6 से 7 साल में इन्होंने काफ़ी सारे बच्चों को जॉब पर लगवाया अभी, और काफ़ी हार्ड वर्किंग है, काफ़ी मेहनती टीचर हैं। और चलिए मैं चाहूँगा सर भी 2 बातें रखें आपके सामने। लीजिए सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई होप दैट यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल एंड सेफ हैं। इस साल के जो कंडीशंस है वो अच्छी नहीं है, कोरोना काल की वजह से लोगों को सबसे पहले तो अपनी सेफ्टी को ही देखना है। सेकंड, जो आपका करियर एक कंटिन्यूसली ट्रैक पे चलते चलते जो ब्रेक हो गया पेंडेमिक की वजह से, कुछ लोग थे जो स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे थे, अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन कर रहे थे या कोई फाइनल ईयर में थे, तो ऑलमोस्ट 7 से 8 महीने उन लोगों के वेस्ट हो गए हैं, प्रिपेयर नहीं कर पाए, होप कहीं ना कहीं छूट गई थी, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी उस तरह से नहीं चल पा रहे थे जैसे प्रिपरेशन लोगों को करनी थी, जैसा वो मानते थे कि 5 से 6 महीने उनको पढ़ना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस एग्ज़ाम के लिए 5 से 6 महीने आप लोगों को तैयारी करने की ज़रूरत है बच्चे, मुझे लगता है कि 2 से 3 महीने एक सफिशियंट टाइम पीरियड है, इस तरह का कोई डिफ़िकल्ट सा एग्ज़ाम ये है नहीं है। और आप में से माइट भी हमारी एज आप लोगों से कई लोगों से छोटी हो, जो हमसे पढ़ने आएंगे, आप हमसे सीनियर हैं, माइट भी आप लंबे टाइम से स्कूल्स के अंदर पढ़ा रहे हैं, आपका अनुभव अच्छा रहेगा। तो फिर भी हम लोग आप लोगों को एक मोस्ट वार्म वेलकम के साथ इन्वाइट कर रहे हैं कि आप प्रिपरेशन करें, अच्छे से करें इस साल के लिए, क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो
एचटेट है वो इस साल के लिए जो जो कंडक्ट हो रहा है, इससे पहले जब कंडक्ट हो रहे थे 5 से 6 साल से लोगों का फिर से एक्सपायर होने जा रहा है। अब तक हरियाणा गवर्नमेंट एग्ज़ाम से गवर्नमेंट वैकेंसीज नहीं निकाल पाई है। अभी एक पॉसिबिलिटी है, हरियाणा की जो बीजेपी सरकार है इन्होंने अनाउंसमेंट डाली है कि 1 लाख वैकेंसी वो फिल करेंगे, तो जो प्राइमरी टीचर है बच्चे उनके लिए तो उन्होंने थोड़ा सा मेंशन भी किया है कि इस फील्ड में वैकेंसीज आएंगी, पिछले 5 से 6 साल से नहीं आई थी। तो कहीं ना कहीं ये ना हो कि आपका स्टेट तब क्वालिफाई हो जब तक वो वैकेंसी आ जाएं और आ करके चली जाएं, वो एक रेगुलर वैकेंसी नहीं होती है कॉन्टीन्यूसली कि वो एक SSC का एग्ज़ाम हो रहा है बच्चे, हर साल हो रहा है कॉन्टीन्यूसली वैकेंसी आएंगी, टैक्स डिपार्टमेंट की वैकेंसी है सभी की है। टीचर वैकेंसी बहुत रुक रुक के आती है, आपको पता है, एक बार निकल जाती है, कुछ लोग ओवर एज होने की कंडीशन के ऊपर खड़े होते हैं, 35 या 36 एज है, 42 लास्ट होती है और ओवर एज हो जाते हैं एक एक साल। और सबसे बड़ा दर्द उन्हीं से पूछ के देखें जिनके हाथ से सिलेक्शन गई है सिर्फ एज की वजह से। तो अपना टाइम ना वेस्ट करें, एचटेट ना केवल गवर्नमेंट के लिए ही काम आएगा बच्चे आप लोगों के कि आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही सिलेक्शन चाहिए, हाँ उसका एक बहुत पहला स्टेप है, रास्ता है। इवन कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जो एक अच्छे लेवल के स्कूल हैं वो एंट्री भी नहीं करते हैं, इवन इंटरव्यू भी आपका कंडक्ट नहीं करेंगे, आपके पास एचटेट क्वालिफिकेशन नहीं है। तो एक अचीवमेंट है, अपने अचीवमेंट को बढ़ा लें कंटिन्यूसली, जिनके पास अचीवमेंट होती है फियर कहीं ना कहीं ख़त्म होता चला जाता है टाइम के साथ साथ, क्योंकि उसको पता है उसके अंदर गट्स हैं, अपने सब्जेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर है, क्वालिफिकेशन भी है, तो ईजिली जा सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही बताना चाहूँगा, बाकी हम वार्म वेलकम कर रहे हैं आप लोगों का, हम चाहेंगे आप आएँ। मेन चीज़ बच्चे यही है कि एक भीड़ इकट्ठा करने का टारगेट नहीं है कि बहुत सारे लोग आ जाएंगे, एक बहुत ज़्यादा लोगों को पढ़ाने का टारगेट है, बहुत लिमिटेड से लोगों को पढ़ाने का टारगेट है। और लिमिटेड है तो जिनकी डेडिकेशन है, जो ढंग से एक सोच करके आ रहे हैं पढ़ना है, बेहतर है वही लोग आएँ। ये नहीं है सबको आने की ज़रूरत है और यहाँ आने से ही क्वालिफाई हो जाएगा, क्वालिफाई आप ही को करना है। एक डायरेक्शन मिल सकती है आपको यहाँ से, जो कुछ सालों का अनुभव है, हमने पिछले साल भी किया था, एक बैच बना था और क्वालिफाई किया है बच्चों ने, हमने तो लास्ट ईयर भी किया था, इस साल भी करने की कोशिश है कि कुछ वैसा सा ही करें। ठीक है बच्चे, तो चलिए बाकी सर ही बताएंगे, इवन सर सबको इंट्रोड्यूस कर रहे थे कंटिन्यूसली, सर को तो कोई इंट्रोड्यूस कर ही नहीं पाया, तो हम चाहेंगे सर के बारे में थोड़ा बताना। जो सर हैं वो सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड पर्सन है, वो सर ही हैं, पूरा मैनेजमेंट सर देखते हैं यहाँ पे। इवन जब आप लोग पहुँचेंगे इंस्टीट्यूट पे, सबसे पहले सर से ही मिलेंगे, सभी ने नहीं देखना है, सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव है, हर प्रॉब्लम इन्हीं को देख के चलनी है। ठीक है, हम लोगों का टाइम थोड़ा सा कम होता है, लिमिटेड होता है, तो सबसे डेडिकेटेड सर हैं हमारे शुभम सर, और काफ़ी अनुभव है पिछले सालों का, एग्ज़ाम भी क्वालिफाई है कंटिन्यूसली, सिर्फ सिलेक्शन का वेट कर रहे हैं कमिंग टाइम के अंदर। ठीक है, तो बच्चे जब तक सर जाएं उससे पहले आप तो फ़ायदा उठाएं। ठीक है, चलिए बाकी सर बताएंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सर ने। सर ने काफ़ी तारीफ़ कर दी, इतनी जनरली करते नहीं है, आज आप सब लोग हैं, आप लोग सब लोग के सामने हैं, तो सर को काफ़ी खुशी है, तो उसी खुशी में ये तारीफ़ के शब्द निकल गए। मैं चाहूँगा सर ऐसे ही तारीफ़ आगे करते रहें आप, और अच्छा लगता है सुन के। तो बच्चे चलिए एक बार मैं सबसे, हम आ जाइए सर, आप भी आ जाइए। तो बच्चे इसी के साथ मैं आप सबसे आज्ञा लेते हैं, विदा लेते हैं हम सब, और कोई मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है बच्चे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, बड़ा इजी एग्ज़ाम है, 90 क्वेश्चन ही आपको करेक्ट करने होते हैं 150 के अंदर, और 2.5 घंटे का पेपर होता है, और कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती बच्चे। तो बड़े आराम से आप 1.5 से 2 महीने की एक डेडिकेटेड स्टडी के साथ आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, और एक अच्छे अपने आगे जो आने वाला टाइम है उसको अच्छा एक सुधार कर सकते हैं अभी, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से ये साल तो ऑलमोस्ट सबकी ज़िंदगी में ख़राब ही गया है। ठीक है, तो चलिए इसी बात पे मैं आपसे विदा लेता हूँ, आगे लेता हूँ, तो अब मिलेंगे आगे, सीधा क्लास में मिलेंगे आप सबसे। चलिए बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।